एनसीबी को जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक शौविक और मिरंडा बट नाम की ड्रग्स का ना केवल डीलिंग कर रहे थे बल्कि उन्होंने कई बार बट खरीदी भी है और इसके लिए उन्होंने जैद विलात्रा नाम के एक ड्रग पैडलर से मुलाकात की और ड्रग्स के बदले पैसे भी दिए हैं। रिया शौविक और सैमुअल मिरंडा के खिलाफ एनसीबी को रोज नए सबूत मिल रहे हैं और ड्रग्स के जंजाल में रिया और उसके भाई गहरे फंसते जा रहे हैं जो उनके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। इसी बीच बहुत बड़ी खबर, दरअसल जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कुछ वैसा ही होता हुआ, रिया को आज शाम समन एनसीबी की तरफ से भेजा जा सकता है और उसी के साथ साथ ये भी जानकारी कि कल पूछताछ के लिए रिया को बुलाया जा सकता है और बहुत हद तक मुमकिन है कि रिया की गिरफ्तारी भी हो जाए। गिरफ्तारी क्यों हो सकती है, दरअसल वो समझिए, क्योंकि शौविक जो कि रिया का भाई है उसने जो अपना बयान दिया उसमें रिया का जिक्र किया कि वो रिया के लिए ही ड्रग्स लाता था। इसके साथ ही साथ सैमुअल मिरंडा जो कि ड्रग्स लेने जाता था उसने भी इस बात की जानकारी दी है कि रिया ही बीच की कड़ी थी और अब इस बीच की कड़ी के लिए ही एनसीबी दरअसल अब समन भेजने की तैयारी में है। शाम तक रिया को ये समन भेजा जा सकता है और कल उसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हमारे साथ आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट, आज शाम भेजा जाएगा समन? जी देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को समन करेगी आज शाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 67 का यह समन होगा, जिसके बाद कल रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। करीबन 25 महत्वपूर्ण सवाल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किए हैं, जिसकी जानकारी हम कुछ ही मिनट के बाद न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों से शेयर करेंगे कि आखिर वो क्या सवाल है। 25 महत्वपूर्ण सवाल का सामना जो है वो रिया चक्रवर्ती से वो करना होगा, क्योंकि जो एनडीपीएस की धाराएं हैं उसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है कि ड्रग्स की खरीद फरोख, ड्रग्स को रखना, ड्रग्स को कंज्यूम करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उस तमाम साजिश की जो मुख्य सूत्रधार है वो रिया चक्रवर्ती है। तो जाहिर तौर पर चक्रवर्ती परिवार की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और अब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के तीखे और कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा। उनसे पूछा जाएगा कि ड्रग्स नेक्सस में कब से शामिल है, आपने ड्रग्स किन किन लोगों से खरीदी है, शौविक का क्या रोल है इस पूरे मामले में, सुशांत की मौत से क्या ड्रग्स कनेक्शन का क्या रोल है, तमाम चीजों पे बारीकी से पूछताछ होगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ का सामना रिया चक्रवर्ती को करना होगा और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। बिल्कुल। और आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है कि क्या किन किन लोगों ने रिया का नाम लिया है, रिया के अगेंस्ट किस तरीके के सबूत एनसीबी के पास है? जी देखिए, सैमुअल मिरंडा इसमें सबसे अहम किरदार है, जिसने ये माना है, पूछताछ में कबूल किया है कि वो ड्रग्स खरीदता था और आगे वो ना केवल सुशांत के लिए ड्रग्स लेता था बल्कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देता था। शौविक ने ये बात शौविक के कबूलनामे से सामने आई है, चैट से सामने आई है कि शौविक से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स बुलवाती थी और शौविक जो है आगे सैमुअल मिरंडा को इस काम का जिम्मा सौंपता था और सैमुअल मिरंडा जो है वो जैद से बात करता था, जैद का नंबर भी जो है वो शौविक ने दिया था सैमुअल मिरंडा को। तो पूरी चेन जो है उसकी तफ्तीश, उसकी पड़ताल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है और इसमें सबसे अहम जो एजेंसी है वो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसने फोन को खंगाला, फोरेंसिक डाटा खंगाला, फोन को क्लोन किया और उसके बाद रिया के फोन से तमाम वो दस्तावेज बरामद हुए, व्हाट्सएप चैट बरामद हुई, जिससे कि ड्रग्स कनेक्शन का जो है वो भंडाफोड़ हुआ है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यानी आनंद जो महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि आज ही समन भेजा जा सकता है और कल रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि सबूत उसके अगेंस्ट है, पुख्ता सबूत है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सुशांत की बहन मीतू सिंह आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त सीबीआई के सामने पेश हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दे, मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है वो दोपहर के बाद किसी भी वक्त सीबीआई के सामने पेश हो सकती है, क्योंकि सीबीआई जो है वो लगातार मीतू सिंह से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मीतू सिंह से सवाल इसलिए क्योंकि मीतू सिंह ही 8 तारीख से 12 तारीख तक सुशांत के साथ रही और सबसे पहले जब खबर लगी तो परिवार का कोई सदस्य अगर सुशांत के घर पहुंचा तो वो मीतू सिंह ही थी। अरुण हमारे साथ जुड़े हैं अपडेट के साथ। अरुण, आज कितने बजे तक सीबीआई के सामने पेश हो सकती है और किस तरीके के सवाल हो सकते हैं मीतू सिंह से? देखिए, सीबीआई की टीम के साथ ही मीतू सिंह थी सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट में जहां पर उनकी मौत हुई थी और अभी जब सीबीआई की टीम निकल गई तो मीतू सिंह के साथ हम गोरेगांव वाला जो उनका घर है वहां उनके साथ जा रहे थे। बीच में गाड़ी रोक के उन्होंने बताया कि मैं अभी आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूं, उसकी वजह यह है कि सीबीआई ने मुझे मना किया है, मुझे अभी सीबीआई के सामने बयान देना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आज क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आज सीबीआई ने जो उनके साथ लोग चल रहे थे